हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में अभी हम लोग स्टॉक मेथड वाला सम सॉल्व करेंगे, राइट। तो ऐसा वाला भी सम 20 मार्क के लिए, 15 मार्क के लिए आता है, ओके। तो अब अच्छे से स्टार्ट करते हैं। तो स्टॉक में क्या है मालूम है तुमको, एक अलग से कॉलम बनाना पड़ेगा नीचे ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक के लिए। तो एक बार देख लेंगे, लाइफ टाइम के लिए टेंशन खत्म होएगा। तो बीबी इंडस्ट्री है, तीन प्रोसेस है, प्रोसेस पी है, क्यू है और आर है। तो बेसिकली पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, तो कितना क्वांटिटी उनके पास 10,000 है, और 10,000 का रेट कितना दिया है, 400 दिया है, और आउटपुट दिया 8,500। मतलब जब भी आउटपुट दिया रहेगा नंबर लॉस और गेन आएगा, नॉर्मल लॉस और स्क्रैप वैल्यू दिया। तो पहले तो लिखेंगे 10,000 क्वांटिटी है, तो लिख देंगे बेसिक मटेरियल। क्या लिख देंगे, बेसिक मटेरियल। और मटेरियल क्या रेट से लाया था उन्होंने, 400। कितना रेट से था, 400। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो 40 लाख हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 10,000 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 40 अमाउंट, दैट इज 40 लाख। फिर उसके बाद आउटपुट दिया है, तो ये जो आउटपुट है ना अपने को यहाँ रेडीमेड दिया है। तो जब भी आउटपुट दिया रहेगा फिर अपने को रेट ढूंढना रहेगा। क्या ढूंढना रहेगा, रेट, वो तो मेन कहानी है। अब उसके बाद क्या दिया, नॉर्मल लॉस 10% लॉस हुआ, और स्क्रैप वैल्यू दिया 100। लॉस मतलब होता है वेस्टेज, लॉस मतलब क्या होता है, तो 10,000 के ऊपर आपको 10% निकालना पड़ेगा। तो 10,000 पे 10% निकालेंगे, दैट इज 1,000, है ना। और उसका स्क्रैप वैल्यू दिया है 100 रुपये दिया है, क्वेश्चन में दिया है, देखो स्क्रैप वैल्यू 100 दिया है, तो इधर 100 लिख देंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 लाख। तो ये हो गया अपना नॉर्मल लॉस, वेस्टेज होता है, ओके। फिर ना आपको न्यू इन्फॉर्मेशन दिया है, आपको इस पर ध्यान देने का है। क्या दिया है, ओपनिंग और क्लोजिंग। जब भी स्टॉक दिया रहेगा ओपनिंग और क्लोजिंग, तो अलग से एक अकाउंट बना देंगे। तो इधर ओपनिंग स्टॉक डाल देंगे, इधर क्लोजिंग स्टॉक। तो ये यूनिट्स का कॉलम है, ये रेट है, अमाउंट, यूनिट, रेट और अमाउंट। तो ओपनिंग स्टॉक का यूनिट्स कितना दिया अपने को, 1500, और क्लोजिंग स्टॉक का दिया 1000। इधर ओपनिंग स्टॉक की जगह पे डालेंगे 1500, क्लोजिंग स्टॉक के जगह डालेंगे 1000। और ओपनिंग स्टॉक का रेट हमेशा दिया रहेगा, वी विल बी गिविंग द रेट ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑलवेज, ओके, 550। अभी इसको 550 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8,25,000 आ जाएगा। बट क्लोजिंग स्टॉक का नहीं दिया रहेगा, तो जो ये रेट फाइंड करेगा वही यहाँ उठा के लिखना है। तो ये इन्फॉर्मेशन न्यू आ गया तुम्हारे लिए। और उसके बाद आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया जो हर बार दिया रहता है, मटेरियल, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये एक्सपेंडिचर दिया है। तो एक्सपेंडिचर को सिंपली क्या करेंगे, डेबिट साइड हम लोग पोस्ट कर देंगे। तो 8 लाख मैं लिख देता हूँ अमाउंट, 8 लाख दिया है मटेरियल, वेजेस दिया है 325, और ओवरहेड दिया 285। एक्सपेंडिचर दे दिया, राइट। अभी अपने को क्या फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है। जब तक रेट नहीं फाइंड करेंगे तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, राइट। तो रेट के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट। मतलब जब भी रेट फाइंड करेंगे ये डेबिट अमाउंट को क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। तो डेबिट अमाउंट को ऐड कर देंगे तो 54,10,000 आ जाएगा, ये डेबिट अमाउंट है। और माइनस क्या करेंगे, क्रेडिट अमाउंट, क्रेडिट में कितना है, 1 लाख, क्रेडिट में कितना है, 1 लाख। अभी यूनिट्स में 10,000 माइनस 1,000, तो 10,000 को 1,000 तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अच्छे से आपको याद प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एक भी अमाउंट गड़बड़ हो गया तो तुम्हारा मिस्टेक हो जाएगा। उसको माइनस करेंगे 9,000 रहेगा। जब कैल्सियम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपको रेट मिल जाएगा 590। क्या मिल जाएगा, 590। ये 590 रेट किसको देना है, आउटपुट को देना है और क्लोजिंग स्टॉक को देना है। हमेशा याद रखना, जो रेट फाइंड करेंगे वो आउटपुट को दिया जाता है, राइट। अच्छा ठीक है, 590 यहाँ लिख जाए। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो 8,500 जो स्टॉक है 590 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50,000, 50,000, 15,000 रहेगा। फिर जब भी इसको बैलेंस करेंगे, पहले यूनिट्स को बैलेंस करने का, ये 10,000 है और ये दोनों को ऐड करेंगे तो 9,500। तो डेबिट ज़्यादा हो गया, मतलब डेबिट ज़्यादा हो गया तो लॉस हो गया। तो 10,000 को दोनों तरफ लिखने का, 10,000 को दोनों तरफ लिखने का, इधर लिखेंगे एबनॉर्मल लॉस। क्या लिखेंगे, एबनॉर्मल लॉस। तो कितना लॉस हुआ, 500 यूनिट्स का। फिर इसके लिए क्या रेट आएगा, यही रेट आएगा, मैंने जो सर्कल किया ना, मतलब जो फाइंड किया है वही। आप लोग एग्जाम में सर्कल मत करना, टीचर भी सर्कल कर देगी समझाने के लिए, राइट। यही रेट लिख दिया। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 2,95,000। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करेंगे ना, तो अमाउंट टोटल टैली हो जाएगा, अमाउंट सेम आ जाएगा, 54,10,000। तो ये प्रोसेस अकाउंट एक्स बनाया है। अब इधर से आउटपुट स्टॉक में ट्रांसफर करेंगे, ये दिख रहा है, मैं जिसको स्टार बना रहा हूँ, ये आउटपुट है ना, यहाँ ट्रांसफर करेंगे। क्रेडिट से किधर आएगा, डेबिट। तो 8,500, 590, 50,15,000, ओके।
ओपनिंग स्टॉक का रेट दिया था तो मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ गया था, बट क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स दिया था, रेट नहीं दिया था, तो रेट हमने यही वाला लिख दिया ना। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 590,000 आ जाएगा, 590,000। अब इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा, तो जो भी बैलेंस आएगा ना स्टॉक, वो अपने को मिलेगा आउटपुट ट्रांसफर मिलेगा। क्या मिलेगा? आउटपुट ट्रांसफर। कौन से प्रोसेस में जाएगा? ये एक्स है तो वाई प्रोसेस में जाएगा, ये वाला अमाउंट इधर ट्रांसफर करेंगे। तो बैलेंस कैसे करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये 10,000 हो जाएगा और ये 1,000 है, ये 10,000 ये 1,000, तो 10,000 ज़्यादा हो गया, तो 10,000 दोनों तरफ लिखने का, 10,000 में से 1,000 माइनस करेंगे तो कितना बैलेंस बचेगा, 9,000। सेम ये अमाउंट से अमाउंट माइनस कर देंगे, आपको बैलेंस मिल जाएगा, इधर रेट की ज़रूरत नहीं है। ओके, रेट की ज़रूरत नहीं है, अमाउंट बैलेंस करके ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये 50 लाख और 8 लाख, 58,40,000, ये ज़्यादा है डेबिट वाला, 58,40,000, इसमें से 5,90,000 माइनस कर देंगे तो 52,50,000 आ जाएगा। तो ये तुमको आउटपुट मिला जो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो जाएगा। तो अभी हमने आपके लिए एक प्रोसेस सॉल्व किया, अभी वाई प्रोसेस सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये आउटपुट को उठा के डायरेक्ट टॉप में डाल देता हूँ, तो कितना आया, 9,000 आया, और क्या अमाउंट था, 52,50,000। इधर रेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब फिर से क्वेश्चन रीड करेंगे और तुम्हारे लिए बीच वाला प्रोसेस सॉल्व करेंगे ना। तो बीच वाला प्रोसेस में क्या दिया है, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल तो इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो रेट भी नहीं दिया रहेगा, डायरेक्ट आउटपुट दिया है। कितना दिया आउटपुट, 7,500, मतलब जो 9,000 आउटपुट, जो 9,000 आउटपुट ट्रांसफर हुआ उसमें ने 7,500 तैयार किया है, रेट नहीं है, ढूंढना है। उसके बाद आपको दिया है नॉर्मल लॉस, कितना परसेंट दिया है, 20%, तो 20% नॉर्मल लॉस है, तो 20% किस पे निकालेंगे, 9,000 पे, तो 1,800 आ जाएगा, राइट। तो 9,000 पे 20% ऐसे निकाल देंगे तो 1,800 आ जाएगा, ठीक है, 1,800 यूनिट लॉस हुआ। तो नॉर्मल लॉस के लिए हमेशा स्क्रैप वैल्यू लेने का, स्क्रैप वैल्यू दिया रहेगा इधर 150, क्या दिया है, तो इधर मैं 150 लिख दूंगा। अब दोनों का जब मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 270,000 आ जाएगा। ओके, ये भी सिंपल हो गया। फिर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया, देखो ओपनिंग क्लोजिंग, तो ओपनिंग 2,000 है और क्लोजिंग यूनिट्स 1,500 है, तो ओपनिंग स्टॉक इधर लिखेंगे 2,000 और क्लोजिंग स्टॉक 1,500। नीचे अकाउंट बनाया ना सेपरेट स्टॉक अकाउंट, ओपनिंग क्लोजिंग, क्लोजिंग का तो रेट नहीं, इसको ढूंढना पड़ेगा, पर ओपनिंग स्टॉक का रेट हमेशा दिया रहेगा। कितना दिया ओपनिंग स्टॉक का रेट, वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक पर यूनिट 850 है ना, 850, इधर हम लिख देंगे 850। अब ये दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2,000 × 850, 85×17, 17,00,000। ओके, ये भी सिंपल हो गया। अब एक क्वेश्चन में आपको एक्सपेंडिचर दिया, देखो मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड, ये बीच का कॉलम लिख देंगे क्योंकि अपन बीच वाला सॉल्व कर रहे हैं, राइट। क्यू, तो मैं एक्स था इधर क्यू लिख देता हूँ और आर लिख देता हूँ, क्यू लिख देता हूँ, है ना, आर ट्रांसफर होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाई जेड नाम चेंज कर दिया था, आ जाओ। अच्छा, अभी अमाउंट हम क्या करेंगे, सिंपली डेबिट कर देंगे, तो कितना है, 7,27,375, शाबाश, फिर 3,26,000, ये अमाउंट गिवन है ना। ओके, ये अमाउंट गिवन है। अब मेन क्या ढूंढना है, अपने को रेट ढूंढना है, क्या ढूंढना है, रेट। जब तक रेट नहीं आएगा अपनी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो रेट के लिए क्या करेंगे, डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट। तो डेबिट अमाउंट का मतलब क्या है, ये सबको ऐड करना है, ये सबको ऐड करना। ओके, 52,7,375,000, तो इसको ऐड कर लेंगे, 66,78,000 आएगा। ये हो गया तुम्हारा डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट, बोले तो 2,70,000, क्या माइनस करेंगे, 2,70,000। यूनिट्स बोले तो ये 9,000 है। ओके, माइनस 1,800, माइनस क्या करेंगे, ये नहीं लेंगे, ये लेंगे 1,800, फिर इसको उसको माइनस करेंगे, इसको उसको माइनस करेंगे, फिर जब इसको खेलेंगे तो रेट 890 आएगा। आया रेट 890 आया तेरा, शाबाश। तो ये आ गया तुम्हारा रेट 890। तो ये जो रेट आया 890, वो इसको यहाँ लिखा जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो आउटपुट जो 7,500 तैयार किया था और जो रेट हमने फाइंड करके यहाँ लिखा, इसको इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 66,75,000 आ जाएगा, 66,75,000। फिर इसको बैलेंस करेंगे, ज़्यादा कौन सा, ये तो 9,000 है और ये 9,300 हो रहा है, कितना हो रहा है, 9,300। तभी इस बार क्रेडिट ज़्यादा हो गया, क्या ज़्यादा हो गया, क्रेडिट। जब भी क्रेडिट ज़्यादा होगा तो फिर गेन हो गया, तो इधर लिखेंगे टू एबनॉर्मल गेन, क्या लिखेंगे, टू एबनॉर्मल गेन, 300 यूनिट्स का लॉस, फ़ायदा हुआ, गेन हुआ। फिर इसके लिए क्या रेट देंगे, यही जो हमने फाइंड किया ना, सेम रेट आएगा 890। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2,67,000 आ जाएगा, 2,67,000। फिर इसको टोटल करेंगे तो अमाउंट तुम्हारा इक्वल आ जाएगा, 69,45,000। फिर इसके बाद ये आउटपुट को यहाँ ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट से किधर आएगा, डेबिट। किस में ट्रांसफर कर रहे हैं, स्टॉक अकाउंट में। किस में ट्रांसफर कर रहे हैं, स्टॉक, पी, ये क्यू था है ना, पी से किधर आएगा, क्यू में। पी से किधर आ जाएगा, क्यू में। ओके,
अब अपने को क्या करना है, ये उठा के यहाँ लिख देंगे 7,500 आया 890 के हिसाब से, 66,75,000। तो ये क्लोथिंग स्टॉक का यूनिट्स तो क्वेश्चन में था पर रेट नहीं है ना, तो रेट तो यही है ना 890। तो इधर लिख देंगे 890, यही वाला रेट क्लोथिंग स्टॉक को देने का। ओपनिंग स्टॉक का रेट गिवन था, मल्टीप्लाई करके आ गया था। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने को अमाउंट मिलेगा 1500 को 800, तो 13,35,000। ओके 13,35,000 और एक जीरो आ जाएगा। अब इसको अपने को बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये है 9,500, ये है 1500, तो ज़्यादा कौन सा हो गया 9,500। तो 9,500 को दोनों तरफ लिखने का, इसमें तो 1500 माइनस कर देंगे तो 8,000 बचेगा। इधर लिखेंगे बाय आउटपुट ट्रांसफर PQR, नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा, थर्ड R में जाएगा राइट। तो ये 8,000 तो आ गया। अभी बैलेंस कैसे करेंगे, इधर रेट नहीं लिखने का, अमाउंट। तो इसको ऐड करके ये 13,00,000 माइनस करेंगे, तो ये 83,75,000 है। इधर भी लिख देंगे 83,75,000, इसमें से 13,00,000 माइनस कर देंगे तो 70,40,000 आएगा, 70,40,000। तो ये आप लोग किधर ट्रांसफर करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस R प्रोसेस में। वैसा आप क्या कर लेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस बनाएंगे, आर में ट्रांसफर कर लेंगे तुम्हारा 8,000। ये फिर नॉर्मल लॉस बोला है 15%, कितना परसेंट बोला है 15, तो 8,000 पे 15% निकाल लेंगे 1200 आएगा, और उसका स्क्रैप वैल्यू भी दिया 200, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, पूरे एक्सपेंडिचर इधर आ जाएंगे। ओके और आउटपुट कितना दिया था 6,500, तो आउटपुट इधर लिख देंगे 6,500। तो इसको सॉल्व करके रेट लाना है, ट्रांसफर करके मैच करना है। तो थर्ड प्रोसेस तुम लोगों को खुद से ट्राई करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप उन्होंने क्या किया, प्रोसेस स्टॉक किया राइट। जिसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। थैंक यू। और जो भी लास्ट में रहेगा उसको फिनिश गुड्स में डाल देने का, किधर डाल देने का, थर्ड प्रोसेस में जो भी बचेगा फिनिश गुड डाल देने का। इधर से पहले में इधर से उधर, फिर इधर से डायरेक्ट फिनिश, रेडी हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।